प्रदेश में राजगढ़ के ब्यावरा में शिवपुरी से इलाज के लिए भोपाल जा रहे शर्मा परिवार के सात लोगों की कार अचानक पलटकर सूखी नदी में नीचे जा गिरी थी, जिन्हें वहां से गुजर रहे एक प्लम्बर बारिश खान ने मानवता का परिचय देते हुए अकेले ने ही किसी तरह गाड़ी को सीधा किया और गाड़ी के कांच तोड़कर सभी को बाहर निकाला, पुलिस को सूचना दी, हॉस्पिटल पहुंचाया था। जबकि वारिस खान द्वारा बचाव के दौरान कांच तोड़े में हाथ में भी चोट लगी थी। वारिस खान के इस मानवता भरे कार्य को देख प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव ने कोई देरी न करते हुए बिना किसी पक्षपात या भेदभाव के मानवता का परिचय देने वाले इस बहादुर मुस्लिम युवक वारिस खान को खतरे में पड़े इस हिंदू परिवार की जान बचाने के लिए पहले तो जमकर तारीफ की, फिर 1,00,000 रुपए का नगद पुरस्कार देने का ऐलान किया था और कहा कि इससे लोगों में समाज सेवा का भाव पैदा होगा। वहीं माननीय कलेक्टर राजगढ़ ने दूसरे के दिन वारिस खान को सम्मान राजगढ़ कलेक्ट्रेट में 1,00,000 रुपए का इनामी चेक सौंपा और वारिस खान की प्रशंसा भी की। इस घटना और मुख्यमंत्री के निष्पक्ष प्रोत्साहन को देख जमीयत उलेमा हिंद के नायाब सदर मौलाना गाजी वली अहमद चिश्ती ने मीडिया से फोन पर चर्चा कर माननीय मुख्यमंत्री के इस निष्पक्ष प्रोत्साहन की प्रशंसा की और इनका धन्यवाद देते हुए कहा कि यकीनन एक दूसरे की मदद करना हमारा मजहबी फरीजा है और एक अच्छे वजीर आला की यही पहचान है कि वो अपनी प्रजा की किसी अनजनी गलती पर डांट और किसी नेकी और समाज भलाई के लिए उसको हौसला अफजाई प्रोत्साहित करें, वही माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है।